गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फाइव को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास फाइव सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ग्रामर है। चैप्टर आज आपका फाइव पढ़ाई हो रहा है, आर्टिकल्स। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 होता है, जिसमें कॉन्सोनेंट आपका हो जाता है 21। कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है और वॉवेल जो होता है वो आपका 5 होता है, यानी 5 होता है वॉवेल। तो वॉवेल कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होता है आपका वॉवेल होता है। और इसको, इस 5 को छोड़ के जो बचता है बी, सी, डी और भी जो हुआ जो बचता है वो आपका हो जाता है कॉन्सोनेंट। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बैट अगर रहे तो बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम ए बैट लिखेंगे। मतलब कॉन्सोनेंट से जो भी शुरू होता है सिंगुलर, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एग लिखा हुआ है, तो ई जो है वो वॉवेल हो गया, तो हम उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। अब देखिए, द वर्ड ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। जो वर्ड्स होते हैं ए और एन, उसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। और इस ए और एन का यूज़ जो होता है, इस्तेमाल जो होता है वो नाउन्स के पहले किया जाता है। द वर्ड द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। और जो वर्ड द होता है उसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज़। अब देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले बिफोर काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन के पहले अगर वो सिंगुलर नंबर में है। वी डू नॉट यूज़ देम विद प्लुरल नाउन्स। ए और एन का इस्तेमाल जो होता है वो प्लुरल नाउन्स के साथ नहीं किया जाता है। वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स डैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम इस्तेमाल करते हैं ए का, ए का यूज़ हम करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड्स, शब्दों के पहले, डैट बिगिंस जो शुरू होता है विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा उसके पहले वाले वर्ड के साथ ए का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स, हम एन का इस्तेमाल करते हैं बिफोर वर्ड्स, शब्दों के पहले, डैट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है उसके पहले, उस शब्द के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, बनाना है, तो बी जो है आपका कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसलिए इसके पहले मैंने ए का यूज़ किया है। एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, ट्री लिखा हुआ है, तो टी जो हुआ आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पहले मैंने, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो इसके पहले मैंने ए का यूज़ किया है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, ऑर्चार्ड लिखा हुआ है, ओ जो है आपका वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एन लिख दिया है। एग्जाम्पल नंबर फोर देखिए, एप्पल लिखा हुआ है, तो ए जो है वो वॉवेल है, इसलिए इसके पहले मैंने एन लिख दिया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक।